दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को सबसे बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के कोच बनते ही स्टीफन फ्लेमिंग ने की T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। जी हां दोस्तों, IPL 2024 के बीच ही भारतीय टीम के नए कोच स्टीफन फ्लेमिंग बन गए हैं। इस बीच उन्होंने कोच बनने के साथ ही भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने अचानक से टीम के अंदर दो ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिनको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार हेड कोच बनते ही स्टीफन फ्लेमिंग ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव किए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ पूरी प्लेइंग 11 के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन खतरनाक खिलाड़ी है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, IPL 2024 का ग्रुप स्टेज अंतिम हफ्ते में आ पहुंचा है और IPL 2024 अब धीरे धीरे समापन की तरफ जा रहा है। हालांकि IPL का फाइनल मैच 26 मई को खेला जाएगा, लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और UAE की धरती पर 2 जून से 30 जून तक चलने वाला है, जिसके लिए सभी 20 टीमें पूरी तरीके से तैयारी में लग गई है। दरअसल वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना पहला मैच 4 जून को खेलने वाली है, लेकिन इस बीच मैच के शुरू होने से पहले ही BCCI ने नए हेड कोच के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग का नाम सबसे आगे आया है। और ऐसे में जब इंटरव्यू के दौरान स्टीफन फ्लेमिंग से T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ही टीम के अंदर दो बड़े बदलाव करते हुए पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया, जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग ने सबसे पहले ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर शामिल किया, जो की टीम के लिए कप्तानी करते दिखाई देंगे। साथ ही में तूफानी शुरुआत देने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं और ऐसे में इनके ऊपर अच्छा प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए फ्लेमिंग ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया, जो कि चेन्नई की टीम के भी कप्तान हैं। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को अच्छे तरीके से टीम के लिए IPL की तरह शानदार बल्लेबाजी करने के लिए मौका दे दिया गया है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए फ्लेमिंग ने 3 नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया, जो कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से मुख्य भूमिका निभा सकते हैं और ऐसे में इनके ऊपर एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा स्टीफन फ्लेमिंग ने 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जो कि T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और ऐसे में अब इनके ऊपर एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, इनका साथ देने के लिए फ्लेमिंग ने विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को शामिल किया, जो कि शानदार बल्लेबाजी करने के साथ टीम के लिए विकेट कीपिंग करते भी दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा फ्लेमिंग ने ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे का पिछले कुछ मैच से काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया, जिनको टीम में एक्स्ट्रा खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया था। लेकिन अब उनको शिवम दुबे के खराब प्रदर्शन करने के कारण टीम में मौका दिया गया है, जो कि टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो वहीं स्टीफन फ्लेमिंग ने ऑलराउंडर के तौर पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ अच्छी गेंदबाजी का काम कर सकते हैं और अब अपने फॉर्म में भी वापस आ सकते हैं। इसके अलावा अब स्टीफन फ्लेमिंग ने स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर फिर से रविंद्र जडेजा को शामिल किया, जो कि अच्छी बल्लेबाजी के साथ अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए कुलदीप यादव को स्पिनर के तौर पर मौका दिया गया है। साथ ही में तेज गेंदबाज के तौर पर स्टीफन फ्लेमिंग ने जसप्रीत बुमराह को शामिल किया, जो कि टीम के सबसे मुख्य तेज गेंदबाज हैं और ऐसे में इनके ऊपर IPL वाले प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इतना ही नहीं, स्टीफन फ्लेमिंग ने अंतिम तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया, जिनका शानदार फॉर्म अब वापस आ चुका है और ऐसे में उनके ऊपर अच्छा प्रदर्शन करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। वहीं स्टीफन फ्लेमिंग के अनुसार ये 11 खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेलते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली के गेंदबाजों और बल्लेबाजों का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिला। पहले लखनऊ के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर खड़ा किया पहाड़ जैसा लक्ष्य, तो फिर ईशांत शर्मा और अक्षय पटेल ने अपनी खतरनाक फिरकी से मैच को पलट कर रख दिया। तो आखिर इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी चैंपियन, किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत, लखनऊ को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी और किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट,
कौन बना इस मैच में मैन ऑफ द मैच और इन दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम ओवर तक, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राहुल और पंत में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लखनऊ और दिल्ली कैपिटल के बीच अरुण जेटली के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जैक फ्रीजर के साथ अभिषेक पुरेल आ गए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अरशद खान, ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जैक फ्रीजर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता केवल 2 रनों के स्कोर पर दिला दी। जैक फ्रीजर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए सहायक हो पा चुके थे। दिल्ली के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में केवल 6 रन बना पाए और लखनऊ को शुरुआत बेहद शानदार मिल चुकी थी। गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अरशद खान, इनका स्वागत इस बार अभिषेक ने पहली गेंद पर करारा शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद भी अभिषेक रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं तीसरी गेंद पर अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए छक्का जड़कर अरशद खान की जमकर कुटाई कर दी। वहीं अंतिम गेंद पर भी अभिषेक ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 21 रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 35 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से चौथा ओवर फेंकने के लिए कप्तान केएल राहुल ने विकेट की तलाश में गेंद युद्धवीर सिंह को थमाई, लेकिन इस बार इनका स्वागत साई होप अपनी तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी साई होप रुके नहीं और चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। वहीं पांचवी गेंद पर उन्होंने करारा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा बाउंड्री के पार भेजकर छक्का बटोर लिया और ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 4 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 51 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मोहसिन खान, इनका स्वागत इस बार साई होप ने दूसरी गेंद पर करारा शॉट लगाते हुए चौका जड़कर किया, लेकिन इसके बाद मोहसिन खान ने शानदार वापसी की और एक भी रन नहीं दिए। दिल्ली के बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए कप्तान राहुल ने गेंद नवीन उल हक को थमाई और इनका स्वागत पहली गेंद पर अभिषेक ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। अभिषेक का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और नवीन उल हक की चौथी गेंद को अभिषेक ने सीधा स्टैंड में पहुंचाकर छक्का जड़ दिया। वहीं अंतिम गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 73 रनों तक पहुंचा दिया, बल्कि अपने अर्धशतक के भी बेहद करीब आ गए। देखते देखते अपने अभिषेक ने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। दिल्ली का स्कोर 8 ओवर में 88 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई और पहले तो इनका स्वागत साई होप ने अपने शानदार छक्के के साथ किया, लेकिन उसके बाद बिश्नोई ने बदला लेते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें पवेलिंग का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दी। साई होप 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दिल्ली कैपिटल को 94 के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए और अभिषेक मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। 10 ओवर में दिल्ली का स्कोर 106 रनों तक पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 12वां ओवर लेकर आए नवीन उलहक ने अपने ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल को 111 के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। अभिषेक अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत का साथ देने मैदान पर स्टप्स आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभालकर इन दोनों बल्लेबाजों को मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए नवीन उल हक ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अपनी टीम के लिए पंत 23 गेंद पर 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल को 158 के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। मैदान पर स्टप्स का साथ देने अक्षर पटेल आए, लेकिन स्टप्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते देखते उन्होंने तूफानी अंदाज में अपना अर्धशतक ठोक दिया और गेंदबाजों की पिरामिड से कुटाई कर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 208 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ ओपनिंग करने मैदान पर आए कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ईशान शर्मा, इनका स्वागत राहुल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला, लेकिन ईशान शर्मा ने उन्हें ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलवा दी। जी हाँ, लखनऊ को 7 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया और राहुल टीम के लिए 5 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। मैदान पर पार्टी रिकॉर्ड का साथ देने के लिए मार्कस टोनिस आए और पहले ओवर में लखनऊ ने केवल 7 रन बना पाए। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर मार्कस टोनिस ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 12 रनों तक पहुंच पाया और दिल्ली अभी तक मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। टीम के लिए 3रा ओवर लेकर आए एक बार फिर ईशान शर्मा और इनका स्वागत डिकॉक ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी डिकॉक रुके नहीं और दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन ईशान शर्मा ने चतुराई से गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 24 रनों के स्कोर पर लखनऊ को दूसरा झटका लग गया और टीम के लिए डिकॉक 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आए और 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर 24 रन और 2 विकेट हो चुका था। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। कप्तान ऋषभ पंत ने गेंद अक्षर पटेल को थमाई और आते ही अक्षर पटेल ने अपने ओवर की पहली गेंद पर मार्कस टोनिस को स्टंपिंग कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
लखनऊ को 24 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। टीम पूरी तरह से लुढ़कती हुई नजर आने लगी। मार्क स्टोनिस टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेल ने लौट गया और दीपक हुड्डा का साथ देने के लिए मैदान पर निकोलस पुरन आए। आते इन्होंने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद वे रुके नहीं, अगली गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और अक्षय पटेल की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी वे रुकने का नाम नहीं लिए। पांचवी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर भी खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर इस ओवर में 20 रन बटोर कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया।